नहीं हमें जा सकते क्या? टी स्टेट में जा सकते क्या? इधर इधर टी स्टेट में जा सकते क्या? टी स्टेट ये टी स्टेट नहीं है ना, अंदर जा सकते ना? नहीं नीचे में क्या है? नीचे में क्या है? क्या नीचे में क्या है? क्या खुशी मैंग है? चाय पत्ती का बागान खुशी मैंग जाएगा? कहाँ जाएगा खुशी मैंग? कितना दूर है? कितना दूर है? कितना दूर है? देखने के लिए कुछ है क्या नीचे में? देखने के लिए कुछ है क्या? देखने के लिए कुछ है क्या घूमने के लिए? दो किलोमीटर घूमने के लिए है क्या कुछ नीचे में? बहुत अच्छा है, गार्डन है, गार्डन है, गार्डन। क्या गार्डन है? कुछ क्या कॉमन कॉमन क्या पत्ती बगान है? बगान है ना, बगान है। तो अभी मैं आया था मेरिक जाने के लिए, मैंने स्कूटी हायर कर लिया। ये स्कूटी आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को उस समय दिखाया था। लेकिन अभी मेरिक जाते जाते मुझे कुछ ऐसे नज़ारे मिले कि मुझे रोकना पड़ा, और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, क्योंकि मुझे और शायद डेढ़ घंटा लगेगा। शायद 2 बजे को मैं पहुँचूँगा मेरिक को, और मैंने ऑलरेडी होटल यहाँ पे बुक कर दिया, क्योंकि मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा, क्योंकि कल सुबह फिर 9 बजे मुझे बाइक वापस करना है, अदरवाइज 2 दिन लगका लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि आसपास की थोड़ी जगह को एक्सप्लोर कर लेते हैं और मेरिक बाद में चलेंगे। यार इतना ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, और मैं अंदर का जो कपड़ा है वो सपोर्ट नहीं कर रहा इतना ठंड को। बाकी ग्लोव्स वोव्स तो है, तो इसलिए जब तक हो सके इतना आसपास की जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो आते आते मैंने देखा कि एक कुछ टी स्टेट सा है नीचे पे, तो नज़ारे आप देखिए, यहाँ से व्यू आप देखिए, बहुत ही सुंदर व्यू है। और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा नीचे तक चलता हूँ, और बाकी ये सब चारों तरफ पाइन ट्रीज है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और स्कूटी लेने के बाद अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा है यहाँ से वहाँ जाने में, अदरवाइज मॉर्निंग से मेरा बहुत खर्चा हो गया, अराउंड 350 रुपये मुझे देखने में लग गया। लेकिन एक बात है, 350 लगा था, उसके बाद होटल वाले ने मुझे 100 रुपीज़ वापस कर दिया, उनका उन्होंने जो गाड़ी वाले ने जो मुझे छोड़ा था छोड़ के चला गया था, उसी वजह से 100 रुपीज़ उन्होंने भरा, मुझे नहीं भरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग अगर दार्जिलिंग आते हैं तो अगर ऐसे कोई गड़बड़ होता है तो आप लोग होटल वाले से बात कर लीजिएगा, तो वो लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है यहाँ के लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप सबसे अच्छे से बिहेव करेंगे तो आपसे भी अच्छे से बिहेव करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अनुराग आना जी सर, नाइस टू मीट यू। कुसुमेंग टी स्टेट की तरफ मैंने देखा कि मैं चलो जाता हूँ, तो बहुत नीचे आ गया, तो लोग बोल रहे थे कि बहुत नीचे है। तो उसके बाद मैं आते आते एक फील्ड पे पहुँचा, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे। ये भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयुष खाती। आयुष खाती, चलो आयुष खाती जी ने मुझे मिला, और उन्होंने मुझे खुद बोला कि आप मेरे पीछे आइए और मैं आपको ले चलता हूँ टी स्टेट पे। तो ये भाई साहब मुझे लेके आए, और
मैं इनके पीछे पीछे आते आते इधर तक इनके घर के पास में बाइक स्कूटी को रुकाया और अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं टी स्टेट। इन्होंने बोला कि मुझे मैं आपको घुमाता हूँ टी स्टेट में, तो बहुत अच्छा लगा। तो जनरली यहाँ पे टूरिस्ट आता है? कभी कभी आता है, कभी इतना नहीं आता है ना। तो बेसिकली ये एक तरह का आउटस्कर्ट हो गया और यहाँ पे इतना टूरिस्ट पॉपुलर है नहीं, लेकिन मुझे लगता आना चाहिए क्योंकि मैं आते समय जब देखा कि यहाँ का जो व्यू है बहुत ही अच्छा लगा व्यू जो मुझे। और जो लोग आते हैं दार्जिलिंग, अगर आप इस बार दार्जिलिंग आओगे तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप इधर आओ। और अभी तो टी स्टेट देखना बाकी है, तो वो देख के आप डिसाइड कर लीजिएगा कि यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं। तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी? क्लास 9 में है। ओके, अगले साल में आईसीएसई। आईसीएसई बोर्ड का है आप? हाँ। ओके, आईसीएसई बोर्ड तो बहुत टफ बोर्ड है। अरे देखिए यहाँ पे बड़ी तो मुझे मन था कि यहाँ का चाय बागान ऐसा देखूं, लेकिन और आप कल रहते ना, आज भी रहते तो मैं आपको नीचे लेता था। हाँ, वहाँ पर बहुत अच्छा नीचे में। और क्या है नीचे में? आप जिबर है वहाँ पर। हाँ, आज तो नहीं जा सकते, आज काफ़ी दूर है ना। हाँ हाँ, तो सुबह को आना पड़ेगा ना। हाँ, अगर आप आज रहते तो बहुत अच्छा होता। हाँ, पानी है? हाँ, पानी पी सकते ना। अच्छा पानी है। बहुत ही मीठा पानी है। आप जो घर में पानी वो प्रशस्त आता है। हाँ, प्रशस्त आता है पानी पाइप। हाँ, पाइप से आता है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा था काफ़ी आता है पानी। हाँ, आपको खरीद के? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे खरीदना पड़ता है क्या? हाँ, आपको खरीदना पड़ता है? नहीं, यहाँ पे खरीदना पड़ता है। नहीं नहीं, हमारा तो जो सिम बोलते हैं। हाँ, वो सिम से आता है। आपको अपना घर का सिम होता है और वहीं से आता है जो पानी उमड़ता है ना। हाँ, पानी। और मैं एक काम करूँगा, आपका नंबर दे दूँगा। हाँ, ठीक है, कोई आना चाहता है तो आपसे फ़ोन करेगा। हाँ, और आप थोड़ा गाइड कर देंगे। हाँ, और आपका भी थोड़ा सा हो जाएगा, है ना। सो गाइस, इसे ये पुसमेंग टी स्टेट है और इसको हम जो 11 नंबर है, ये जहाँ को 11 नंबर कहते हैं। और देख सकते आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग है, तो आप सब आइए, काफ़ी अच्छा लगेगा। इसका लोकेशन कैसे आएगा अगर दार्जिलिंग से आते हैं? वो बोल दीजिए। इसे घूम के नीचे जो पुसमेंग फाटक है, आपको नीचे आना पड़ेगा, तो ये जगह आप लोग आ सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये आपको आप उनको गाइड करेंगे, ठीक है? हाँ, मैं गाइड। और आयुष आपको गाइड करेंगे, और आप लोग अगर आते तो ये आपको पूरे नीचे तक आकर ले जाएंगे। अगर आप यहीं रहते हैं तो ये अरेंजमेंट भी कर देगा रहने का, और इससे उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा और आप भी अच्छी जगह घूम के लेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन अभी तक इतना टूरिस्ट आया नहीं है। तो आप लोग आके अगर बिना रस्त एकदम शांति से रहना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ रह सकते हैं। और दार्जिलिंग से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर लगता है, ज़्यादा दूर भी नहीं है।
आराम से आप लोग आके अपने कार लेके या बाइक लेके आ सकते हो। तो मैं अभी यहाँ से लौट रहा हूँ, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, शादी वो जो टी गार्डन का जो जो ऑरेंज भी है ना। हाँ अभी चेंज हो यसमा नयाँ कमिटीहरु गठन गर्नुपर्छ। नयाँ कमिटी गठन गरिसकेपछि हामीले हजुरहरूले को को राख्नुहुन्छ, के राख्नुहुन्छ, हजुरहरूले नै यसलाई तयार पार्नुपर्छ। किनभने हजुरहरूले नै यसको यो प्रोग्रामको छलफल गर्नुपर्छ। किनभने अब हामी त अब धेरै पुरानो भयो, किन नयाँले पनि सिक्नुपर्छ। आज नयाँ मान्छे आएपछि धेरै कुरो सिक्दै जान्छ, उहाँहरूले बुझ्दै जान्छ। किनभने कहाँ एक्सपोर्ट हुन्छ हजुरहरूलाई म यो बिन्ती गर्न चाहन्छु कि हजुरहरूले नयाँ कमिटी चाहिँ गठन गरेको भन्ने म नयाँ प्रेसिडेन्ट नयाँ सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट हाम्रो सा पनि हुनुहुन्छ हो, सेक्रेटरी अनि केसिएस अनि बोर्डीका हाम्रो समस्त सदस्यहरू बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे आप जैसा लोगों को मिलके कहाँ बोरिंग लगेगा। हम बीच से वापस लौटने वाला था बोले कि बहुत नीचे है, हम सोचे आए तो देख लेते हैं, अगर आपको नहीं मिले तो वापस वहाँ से रिटर्न हो जाता वो फील्ड से पहुँच गए क्या घर वाह बढ़िया जगह था। हाँ ये याद में बनाया ना, और यहाँ पेड़ रख सकते हैं मतलब रेस्ट। टेस्ट करना चाहते हैं कि सीधे चले पहुंच गया, ज़्यादा दूर नहीं है तो एक बढ़िया सा ट्रैकिंग ख़त्म हो गया हम लोग का, अच्छा लगा, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। नहीं नहीं ठीक है, कुछ खाओगे आप भाई भाई? हाँ सूडस खाओगे? हो जाएगा खाइए ना आपको बुकने। नहीं हो जाएगा, ये आपका घर है ना, आपका घर है तो ये आयुष का घर है, वो हमको अपने घर में लेके आए। बोल नहीं पा रहा मैं, बहुत थक गया हूँ। यहाँ से व्यू देखिए यार,
आप यहाँ पे घर बनाने का काम, नया घर बना रहे ना? यह लकड़ी तो यहाँ पे मिल जाता होगा आप लोगों का? लकड़ी नहीं है यहाँ अपना बारी का है लकड़ी जो लकड़ी बहुत सस्ता होगा ना यहाँ में घर देख सकता है कितना 600 रुपए ना पूरा टीना से दे दिया टीना और काट थैंक यू दार्जिलिंग का टी बहुत अच्छा है बैठो बैठो आप क्या बंगाली मैं हम आसामीस असम का आसामीस आसामीस जैसे तो नहीं लगता है तो आपको तो बंगाली ऐसा लगता है हाँ इसलिए हमको सब लोग यहाँ पे बंगाली में बात करते हैं ठीक है नहीं नहीं हो जाएगा इतना तकलीफ मत करो तो अभी हम लोग मैं आयुष के घर से निकल रहा हूँ अभी और चलूँगा उधर ही वापस देखता हूँ सिंघाड़ा नेशनल पार्क जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ पहले तो ऊपर तक चढ़ाई कर लेते उसके बाद सोचते हैं बहुत अच्छा लगा ये उनका बकरी है जो पालते हैं वो और ये उनका सब घर और लकड़ी वकड़ी काटने का जगह बहुत अच्छे आदमी यार बहुत अच्छा लड़का है क्लास 9 में पढ़ते ये और ब्लॉगिंग का शौक है उनको डांस बहुत अच्छा करते हैं स्कूल के विनर भी रह चुके हैं पॉपिंग डांस में तो यार मिल जाते हैं ऐसे मैं वहाँ पर ग्राउंड तक चला जाऊँ हाँ हाँ ग्राउंड तक चला जाऊँ ग्राउंड तक जाएंगे आप मेरा भी वहाँ पर कुछ काम ही ना हुआ हाँ चलिए तो ठीक है ऊपर जाके मिलते हैं और मैं अभी GoPro को चार्ज देता हूँ थोड़ा बाय